हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। दिलुस ब्लॉग में आपका स्वागत है। मेरे पीछे आप स्टेडियम देख के समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। ओडिशा में होने जा रहे पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में। 2023 को आपका पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप भुवनेश्वर और राउरकेला दोनों जगह में खेला जाएगा। 13 जनवरी से 29 जनवरी तक मैच खेला जाएगा। इस मैच के बारे में पूरा डिटेल्स, यहाँ कैसे आएंगे, कैसे मैच का टिकट आपको मिलेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, हम अभी पहुंच गए हैं भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के रेलवे स्टेशन पे अभी हम है। आप जहाँ से भी आ रहे हैं भुवनेश्वर तक, आपका भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन तो आपको ट्रेन मिल जाएगी। अगर यहाँ बाय प्लेन आप आना चाहते हैं, बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ तक अभी आप आ सकते हैं। अगर आसपास शहरों से आप आ रहे हैं तो बरमुंडा बस स्टैंड तक आप आ सकते हैं। रेलवे स्टेशन से कलिंग स्टेडियम का दूरी है 5 किलोमीटर और बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दूरी है 6 किलोमीटर। बरमुंडा बस स्टैंड से दूरी है 7 किलोमीटर। अगर यहाँ तक आप आने के लिए, अगर मैच के दिन आप भुवनेश्वर पहुँचते हैं तो आपका उसी दिन का, अगर मैच का टिकट आपके पास हो, ओडिशा गवर्नमेंट का जो बस चल रहा है मो बस, उसमें आपका फ्री है। अगर अगले दिन आप पहुँचते हैं तो यहाँ तक आने के लिए स्टेडियम तक, आप जहाँ से भी आ रहे हैं वहाँ से स्टेडियम तक आने के लिए आपका बस, ऑटो, आपका ऑनलाइन कैब सब मिल जाएगा आपको। यहाँ तक आने के लिए आपका 20-30 रुपये में ऑटो मिल जाएगा। बस से भी आते हैं तो 10-15 रुपये में भी बस आपको मिल जाएगी। अगर कैब करके आप आना चाहते हैं तो 150 से 200 रुपये आपको लगेगा। दोस्तों, ये जो छक देख रहे हैं सामने, ये जयदेव विहार छक है। मैच के दिन आप जहाँ से भी आ रहे हो, आपको यहीं पर ही गाड़ी वाला आपको ड्रॉप करेगा। ये ब्रिज देख लीजिए, यहीं पर ओवरब्रिज है, यहीं पर आपको ड्रॉप करेगा। तो यहीं से वो देखिए, सामने जो आपका रोड दिख रहा है, ये सामने रोड, यहीं से आपको आगे जाने पड़ेगा। ये देखिए ओवरब्रिज, और ये जो रोड जा रहा है वो स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं। तो यहीं से आपको चल के जाना पड़ेगा स्टेडियम तक। स्टेडियम यहाँ से दूरी है सिर्फ आपको 100-200 मीटर। चलने के बाद आपको स्टेडियम का गेट सब आएगा। आगे मैं दिखाऊंगा आपका स्टेडियम, वो सामने दिख रहा है सब। ये चलिए, ये सामने का गेट सब ब्लू कलर का यहाँ से बोर्ड लगा हुआ है, आपको आगे चल के पता चलेगा। सब गेट का नंबर यहाँ लिखा हुआ है, यहीं से आपका टिकट में आपका नंबर लिखा होगा, जो नंबर उसी गेट से आपको अंदर जा सकते हैं। भुवनेश्वर में इंडिया का एक ही मैच है, इंडिया और वालेस, 19 जनवरी को खेला जाएगा। 16 टीम इस वर्ल्ड कप में भाग ले रहे, उसमें इंडिया का जो ग्रुप है, चार चार का चार ग्रुप है। इंडिया का जो ग्रुप है वो डी ग्रुप में, इंडिया के ग्रुप में आपका स्पेन, वनलेस और इंग्लैंड, ये आपका तीन टीम है। इसका जो मैच है, पहला मैच 13 जनवरी को वो राउरकेला में खेला जाएगा, और सेकेंड मैच जो है इंडिया और इंग्लैंड का, वो 15 जनवरी को राउरकेला में खेला जाएगा। और एक मैच है 19 तारीख को इंडिया और वालेस का, वो आपका भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम में खेला जाएगा। अभी चलिए स्टेडियम देखते हैं। ये भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम का बाहर का दृश्य है। ओडिशा गवर्नमेंट ने इसे बहुत ही सुंदर से मेंटेन किया हुआ है। आप वॉल में देख रहे हैं सुंदर सा पेंटिंग सब हुआ है हॉकी का। ये ब्लू कलर का जो बोर्ड देख रहे हैं सामने, ये आपका गेट का नंबर इसमें लिखा हुआ है। इसी रोड में आपका ऐसे ब्लू कलर का बोर्ड सब दिखने को मिलेगा, वहीं पर आपका
गेट का नंबर लिखा हुआ है, तो आपका टिकट में जो नंबर लिखा होगा गेट का नंबर, उसी गेट से आप एंट्री करिए। अभी चलिए स्टेडियम के अंदर चलते हैं। कलिंगा स्टेडियम का है मेन गेट है, इसके अंदर से प्लेयर्स वगैरह जाते हैं, उनका गाड़ी जाती है। अगर आप मैच देखना चाहते हैं तो इसका जो टिकट का प्राइस है, वेस्ट स्टैंड का 500 रुपया, ईस्ट स्टैंड का 400 रुपया, नॉर्थ और साउथ स्टैंड का 200 रुपया। ये जो प्राइस मैंने बताया, ये इंडिया का जिस दिन का मैच है इसका प्राइस है। अगर इंडिया का मैच नहीं है, अलग देश का मैच है, तो वेस्ट स्टैंड का प्राइस है 500 रुपया, ईस्ट स्टैंड का प्राइस है 200 रुपया, नॉर्थ और साउथ स्टैंड का प्राइस है 100 रुपया। ऑनलाइन ये प्राइस भी शो कर रहा है, आप ऑनलाइन जाके चेक भी कर सकते हैं, और आप ऑफलाइन भी टिकट कर सकते हैं। मैच का अगले दिन ऑफलाइन टिकट आपको मिल जाएगा स्टेडियम के पास से। और एक बात, मैंने जो प्राइस बताया है टिकट का, ये ऑफिशियली जो वेबसाइट है insider.in, वही साइड में प्राइस शो कर रहा है। ये कलिंगा स्टेडियम का बढ़िया सा दृश्य दिख रहा है। अभी चलिए चलते हैं राहुल किला। सामने देख रहे राहुल किला का रेलवे स्टेशन है। यहाँ से जो बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का दूरी है 4 किलोमीटर, बस स्टैंड से दूरी है 5 किलोमीटर, और ये जो सामने देख रहे हैं नया सा बना है एयरपोर्ट, पहले आपका VIP के लिए केवल था, अभी साधारण जनता के लिए खुल गया है। यहाँ से स्टेडियम का दूरी है 6 किलोमीटर। अभी चलिए चलते हैं स्टेडियम। अभी हम पहुंच गए बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम राउरकेला। अभी थोड़ा बहुत काम और बाकी है, 13 तारीख से पहले काम ख़त्म हो जाएगा। अभी 13 तारीख को मेरा जो पहला मैच है इंडिया और स्पेन का, यहाँ खेला जाएगा, और सेकेंड मैच जो खेला जाएगा यहाँ इंडिया और इंग्लैंड 15 जनवरी को, और थर्ड मैच जो भुवनेश्वर में खेला जाएगा इंडिया और वेलनेस का, वो 19 तारीख को खेला जाएगा। बढ़िया सा स्टेडियम है बना हुआ है। यहाँ तक आप आने के लिए आपका यहाँ रेलवे स्टेशन है, जैसे मैंने बताया था, छोटे बड़े शहरों से इंडिया से यहाँ ट्रेन आती है, और आपका एयरपोर्ट भी है। एयरपोर्ट अगर डायरेक्ट आपको प्लेन नहीं मिलेगी, वो भुवनेश्वर से आपको मिल जाएगी। भुवनेश्वर से राउरकेला का दूरी है 318 किलोमीटर। ये आपका स्टेडियम का अंदर का दृश्य है, बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा दृश्य है। अभी आप कमेंट में ज़रूर लिखिए इस बार आपका वर्ल्ड कप फाइनल कौन खेलेगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जय जगन्नाथ।